पब्लिक लाइव न्यूज, मैं नितेश यादव और आज हम देवरिया जनपद में आज पत्रकार एकता समन्वय समिति का जो संगठन का जो स्थापना दिवस था, जो तृतीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है आज जिला पंचायत सभागार में, जहां हम मौजूद हैं। और सबसे पहले हम इस कमेटी के यानी कि जो पत्रकार एकता समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्वामित्र मिश्रा जी, सबसे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस कमेटी के यानी कि पत्रकार एकता समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष कमल पटेल जी से मैं ये जानना चाहता हूँ। कमल पटेल जी, ये जो आज कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का ये जो कार्यक्रम था, पत्रकार एकता समन्वय समिति का तीसरा स्थापना दिवस हम लोग मना रहे थे, और जो हमारे जिले के ही नहीं बल्कि दूसरे जिले के भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पत्रकार बंधु हमारे आए हुए थे इस कार्यक्रम में। जी, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और इस कार्यक्रम से पत्रकारों को कहाँ तक लाभ पहुँचेगा? इस कार्यक्रम से पत्रकारों को एक तो सबसे पहले कि आपसी जो पहचान बनी, जो दूर के पत्रकार हैं जिन्हें कुछ पत्रकार नहीं समझ पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे, वो आज जान गए। दूसरी चीज़ कि आज ये हम लोगों ने ये दिखाया है कि हम पत्रकार एकता समन्वय समिति के एक शक्तिशाली संगठन के में काम करते हैं, और यह संगठन जो है किसी भी पत्रकार उत्पीड़न में सबसे आगे उस पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए उपस्थित रहता है। जी, अभी उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में पत्रकारों के साथ कुछ गलत तरीके से यानी कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो आप पत्रकार एकता समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन के खिलाफ और इस शासन के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शासन के लोग और प्रशासन के लोग और कुछ राजनेता ऐसे हैं जो पत्रकारों को, जैसे हमारे मान लीजिए कुछ पोर्टल के पत्रकार हैं या फिर यूट्यूबर पत्रकार हैं, उन लोगों को वो लोग फर्जी साबित करते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारा कोई भी पत्रकार साथी फर्जी नहीं है, इसलिए कि सबको RNI से रजिस्टर्ड है वह, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वह फर्जी पत्रकार है या फर्जी संगठन है या फर्जी पोर्टल है? तो जो भी ये बातें हो रही है हमारे पत्रकार साथियों के साथ, वह बहुत ही दुखद है और मैं इसको घोर निंदा करता हूँ। जी, तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैं अभी बात कर रहे थे, हमारे साथी ये जिला अध्यक्ष हैं पत्रकार एकता समन्वय समिति के कमल पटेल जी, तो और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे माननीय गिरीश चंद तिवारी जी, जिला अध्यक्ष देवरिया, और DM साहब यानी कि जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह जी, रविंद्र कुमार जी। और सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे विश्वामित्र मिश्रा जी और अनवर अंसारी जी, तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया। और फिर मैं पब्लिक लाइव न्यूज़ से एक बार मैं नितेश यादव, नमस्कार।